गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे स्टार्ट चैप्टर 12 मेजरमेंट ऑफ लेंथ। वी मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। वी यूज केजी फॉर किलोग्राम्स, फॉर किलोग्राम्स एंड जी फॉर ग्राम्स। Daily life, we use the word weight instead of mass. We know that in 1 kilogram is equals to 1000 gram, and the standard unit of weight is kilogram. The standard unit of weight is kilogram. The smaller unit of weight is gram. The smaller unit of weight is gram. All the three points you should remember. Now fun time. You see the fun time that is fill in the blanks. The blanks कैसे इसको फिल करना है। इन 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, एंड वी राइट ऑल्सो इन दिस वे 500 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम्स मीन्स 1000 ग्राम्स है, उसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। 1000 ग्राम इन दोनों को मिलकर बनेगा, दैट इज 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम। नेक्स्ट दैट इज इक्वल्स टू 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस डैश ग्राम प्लस डैश। अब आपको यहां पे फिलअप करना है कि क्या है। यू नो वेरी वेल दैट इन 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स है? 1000 ग्राम्स। जैसे हमने यहां पे 500 ग्राम गिवन था, तो नेक्स्ट हमने 500 इसमें ऐड कर दिया, तो ये 1000 ग्राम बन गया। इसी तरीके से 200 प्लस 200 दैट इज 400 प्लस 200 600 ग्राम्स हमारे पास है। तो हम 1000 में से 600 माइनस कर देंगे, दैट इज 400 ग्राम्स, और 400 को हमें दो ब्लैंक गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे? 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम। तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। यहां तक हमारे 600 हो रहे थे, 800 एंड देन 1000, तो टोटल कितना बन गया? 1000 ग्राम। दैट इज इन 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो इस तरीके से हम फिलअप द ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस डैश ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस डैश ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस डैश ग्राम। हियर हाउ मेनी हंड्रेड्स आर गिवन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700 ग्राम्स आर गिवन एंड 3 फिल अप द ब्लैंक्स। सो हाउ यू कैन फिल इट? The 700 are given, it means the 700 gram, if we add all the 100 grams, then 1000 minus 700 gram, that is the 300 grams. So we write here 100 gram, 100 grams and 100 grams, and total 100 grams we count it, we add up. So we will find the 1000 gram, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1000. So we have added all these, so what did we get? 1000. That is in
वन किलोग्राम 1000 ग्राम. तो इस तरीके से हम इनके फिलअप टैंक्स को फिलअप कर सकते हैं. क्लियर. नाउ स्टार्ट एक्टिविटी 1. दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. अभी आपने फन एक्टिविटी की थी, अब हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं. इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स है. नंबर 1, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज. ये अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है. व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, सॉरी, वेट इज, नॉट लेंथ. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज डैश किलोग्राम. ये अभी हमने पढ़ा है ना. द सेकेंड वन, वेट ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन. वेट ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन ग्राम्स. देन नंबर 3, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्राम इज. हाउ वी राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्राम, दैट इज जी. नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ इज लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स. लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन. लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन ग्राम्स. अभी ये भी आपको बताया था हमने कि लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको किस में मेजर करते हैं, ग्राम्स. द फिफ्थ वन इज हैवी ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन. आर मेजर्ड इन विच यूनिट वी मेजर, दैट इज इन किलोग्राम्स. लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन ग्राम्स and heavy objects are measured in kilograms. So this activity 1, you all of you note down in your notebook.